हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सोमवार को पंचकुला की राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी और बुड्ढनपुर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने राशन डिपो पर लगी लंबी लाइन को देख डिपो होल्डर से इस समस्या का जल्दी से हल करने के लिए उचित दिशा निर्देश दिए, जिसमें वर्निमित शौचालय पुल भी शामिल हैं। आज राजीव कॉलोनी, इंदिरा कॉलोनी के अंदर जो टॉयलेट्स काफी दिनों से, काफी लंबे समय से बंद पड़े थे, खराब पड़े थे, उन टॉयलेट्स को ठीक कराने के लिए लगभग एक महीना पहले समय दिया था। और आज देख करके यहाँ लगा, अच्छा लगा कि जो गरीब लोगों के लिए भी अच्छे टॉयलेट्स, अच्छे नहाने की व्यवस्था, महिलाओं के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग टॉयलेट की व्यवस्था यहाँ कॉलोनी के अंदर की गई है। इसी प्रकार से बुड्ढनपुर के अंदर जो एक गुड़ था नाले के ऊपर, उसको लगवाने का काम किया है और वो बहुत दिनों से, लगभग पिछले 40-45 साल से बुड्ढनपुर के लोगों की मांग थी कि यहाँ पर पुल लगना चाहिए, क्योंकि वो उनका शमशान घाट का रास्ता है। तो उस दृष्टि से वो पुल का भी निर्माण हुआ है और यहाँ जो भी समस्याएं हैं, ये सड़क जहाँ हम खड़े हैं, ये सड़क का निर्माण अभी ये चुनाव वाले दिन जिस दिन हुआ, ये सड़क की यहाँ बड़ी अच्छी कारपेटिंग हुई है और अभी जो स्थान स्थान पर जाकर के, चार पांच जगह जाकर के जो भी यहाँ इंदिरा कॉलोनी के, राजीव कॉलोनी के लोगों की समस्याएं हैं, उनका समाधान करने का हम प्रयास कर रहे हैं। जी, काफी लोग आपसे मिले हैं, एक मरीज भी मिली जिसका 5 लाख का बिल था, तो आपने आदेश जारी किया? हाँ, अभी एक महिला ने बताया कि उसका झुग्गी का बिल जो है वो 5 लाख रुपए का आया है। मैंने एसपीओ महोदय उनसे कहा है कि तुरंत, क्योंकि ये बीपीएल परिवार की है, बिलो पॉवर्टी लाइन का 5 लाख रुपए का बिल कोई ना कहीं मिस्टेक कैलकुलेशन के अंदर हुई है और उसको लेकर के ठीक करा करके उसको किया जाएगा। जी, सबसे बड़ी यहाँ पे जो मांग है, प्लॉटों को लेकर मांग है, उसके लिए ये उसके ऊपर भी काम चल रहा है, कुछ दिनों के अंदर आपको अच्छी खबर मिलेगी।